फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एग्जिट एग्जाम के बारे में। जी हां, डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए। ये एक एग्जिट एग्जाम बहुत पहले से इसकी पिछले सालों से इसकी जी हम कह सकते हैं कि इसकी न्यूज़ आ रही है, हुआ बना हुआ है कि एग्जाम होगा, अब होगा कब होगा, बट अब एक इसका फाइनल न्यूज़ आ गई है कि ये एग्जिट एग्जाम कब होगा। इसकी एक फाइनल डेट दी एग्जिट एग्जाम की आ गई है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे उनको डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करके फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो एग्जिट एग्जाम कंडक्ट कराएगा उस एजेंसी का है, उस बोर्ड का है। तो बोर्ड ने उस बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कराए जाने हैं उन सभी की डेट जारी कर दी गई है और उस बोर्ड का नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एनबीटी बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। मींस कि ये जो बोर्ड है ये मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम का मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या जो एग्जिट एग्जाम होते थे वो सभी इसी बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं। और इस बोर्ड का जो गठन था वो 1975 में हो गया था। ये जानना हूँ कि ये सारी जानकारी बोर्ड के बारे में जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस बोर्ड का जो मेन काम है वो ये है कि जो मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो ये बोर्ड फार्मेसी के दो एग्जाम को करा रही है। एक है जो एग्जाम है जीपैट, जो कि है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्लीट्यूड टेस्ट, और जो यूजी के स्टूडेंट यानी जो बी फॉर्म स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उसी के साथ साथ यही बोर्ड पहली बार ये कराने जा रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, और जिसकी डेट है मंथ ऑफ अक्टूबर में। अक्टूबर में इसने प्रपोज डेट दी है। फिलहाल इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है, बट टेंटेटिव डेट है और एक डेट ये आ गई है, फिलहाल इसी के आसपास ये एग्जाम होंगे। तो इसका जो एग्जाम होगा वो 5th and 6th October 2024 को ये एग्जाम होगा। तो यानी दोस्तों, और ये जो सर्कुलर आया है ये PCI से नहीं आया है, तो इसलिए हम ये मान के चले कि इसमें कोई बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम है। ये वो एजेंसी है जो इस एग्जाम को कराएगी, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वो तभी नोटिफिकेशन देंगे जब इनका PCI से ये वेंचर हो गया होगा, ये एग्रीमेंट हो गया होगा कि हमें एग्जिट एग्जाम कराना है। सो ये एग्जिट एग्जाम ये कंफर्म हो गया कि इस बार 2024 में 5th और 6th अक्टूबर को एग्जिट एग्जाम होगा और ये कराया जाएगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के द्वारा। और एक और चीज है कि ये जो बोर्ड है ये जो एग्जाम कराता है ये इंडिया लेवल एग्जाम कराता है। ये एग्जाम जो होता है ये इंडिया लेवल यानी नेशनल लेवल एग्जाम होता है। सो जो आपका एग्जिट एग्जाम के पेपर सेट होंगे वो इतने इजी भी
नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पहले तो वो फोकस करें अपने पढ़ाई पे, अपने सिलेबस पे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जिट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन वो करते चले। और इस नोटिफिकेशन को आप नेट जिस वेबसाइट पे netboard.edu.in इस लिंक से आप जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। सो गाइस, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जो एग्जिट एग्जाम की डेट थी वो फाइनल डेट आ गई है, और फाइनल डेट है 5th and 6th अक्टूबर 2024। तो आप सभी लोग एग्जिट एग्जाम के लिए तैयारी करने शुरू कर दें। सभी एस्पिरेंट्स को अभी से ही इस एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।